कोई भी बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड में कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं, जैसे इसका देखो कलर चेंज करना है हमने ना, ह्यू एंड सेचुरेशन से कैसे करेंगे, हमने सेलेक्ट किया इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट कर लेता हूँ पहले तो, कंट्रोल जे डुप्लीकेट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी एफएक्स लगाना है, कुछ भी लगाना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया हमने, इमेज के ऊपर जाएंगे एडजस्टमेंट, यहाँ से हम चेंज कर लें ह्यू एंड सेचुरेशन, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे ह्यू एंड सेचुरेशन के अंदर, ह्यू के अंदर तो देख रहे हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं उसको, ठीक है। जैसा कलर चाहिए आप वैसा रख सकते, चाहिए कुछ ऐसा चाहिए हमने, ओके कर समझिए। हमने कोई भी एक करेक्टर लेके आना, अगर हमने कोई पोस्टर बनाना है डबल एक्सपोजर से, हमने करेक्टर लिया ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसे, इसे फ्लिप कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं साइज में, सही यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है कुछ ऐसे समझिए। अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ लेयर को, यहाँ से टूल लूँगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, जब हम क्या करेंगे यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे ये, ठीक है। मोड हमने यहाँ से ड्रॉ कर देना है कि इतने पार्ट को डिटेक्ट करके सिलेक्शन कर दो उसकी ऑटोमेटिकली, तो वो सेलेक्ट करेगा इस पे अंदर से डिटेक्ट कर, तो देख रहे हो उसने सेलेक्ट कर लिया काफ़ी आसानी से। तो हम इसमें से चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, एरर्स ठीक कर सकते हैं इसके, ये देखो यहाँ पे हल्का सा आ रहा है। तो यहाँ से आप क्विक सिलेक्शन टूल से भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ये ऐड किया इतना पार्ट, देख रहे हो ऐड होगी सिलेक्शन, ठीक है। माइनस करनी है आप यहाँ से माइनस सेलेक्ट करो, नहीं तो ऑल्ट होल्ड कर लो कीबोर्ड से ना, माइनस भी हो जाएगा ऐसे, ऑल्ट होल्ड करके माइनस पे चलाया था, सिंपल क्लिक करोगे प्लस होता रहेगा कुछ ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर मास्क लगा दिया, अब देखो मास्किंग लगा के यहाँ से हेयर्स वगैरह सेलेक्ट करने अच्छे से ना, ये देखो डबल क्लिक करना है मास्क के अंदर, हम सेलेक्ट एंड मास्क के अंदर चले जाएंगे, ठीक है कुछ ऐसे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, रिफाइन एज टूल यूज़ करना है, और यहाँ से एज रिफाइन कर देंगे, देख रहे हो रिफाइन हो रहा है काफ़ी इजीली, ठीक है। ऐसे हेयर्स को रिफाइन कर देना, ये हमने रिफाइन कर दी, ठीक है। जैसे यहाँ से रिफाइन करना है हल्का हल्का, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम यहाँ से प्रॉपर्टीज बढ़ा दें, जैसे स्मूथ की हल्की सी प्रॉपर्टीज बढ़ा दी हमने, फैदर की हल्की सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर दी, ठीक है। ऐसे हल्की हल्की प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगे तो वो जो आ रहे हैं वो भी थोड़े थोड़े हट जाएंगे, ठीक है ओके करो। तो ये इतना पार्ट हो गया, ठीक है। अभी भी यहाँ पे हल्की हल्की आ रही है, तो हमने मास्किंग के अंदर जाना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, बर्न टूल कर देना, बर्न टूल से बिल्कुल ही गायब कर देगा वो, देख रहे हो यहाँ से उसने वो जो हाईलाइट आ रही थी वो हटा दी, ठीक है समझ गए बात में। ठीक है अब जैसे हल्का सा यहाँ पे रह गया, हम दोबारा मास्किंग के अंदर जा सकते हैं, ये मैंने देखा नहीं था, हल्का हल्का यहाँ पे चला देता हूँ मैं टूल, ठीक है ओके करो। बर्न टूल सेलेक्ट करो, बर्न टूल से भी हल्का सा समझ गई बात है, ठीक है। इमेज के अंदर और भी एडिटिंग करनी है, जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस पे कंट्रास्ट वगैरह लगाना है ना, इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट करके रखो, या राइट क्लिक करके एक बार और स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर लो, तो वो मास्क भी अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर, ये ऐसे समझ गई बात है। हमने क्या किया, इसका रीनेम करता हूँ मैं, इस पे लिख देते हैं करेक्टर, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड है, बीजी लिख देता हूँ इसके ऊपर मैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा बहुत इसमें कलर करेक्शन करनी है,
इमेज के अंदर जाना है, एडजस्टमेंट के अंदर ब्राइटनेस लगानी है, हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम करनी है कम कर सकते हैं, ठीक है कुछ ऐसे। अब ये हाईलाइट है, ये थोड़ी ब्लू स्टोन आनी चाहिए इसके ऊपर। हमने यहाँ से क्या किया, कर्व्स यूज़ की, कर्व्स के अंदर यहाँ पे देखो आरजीबी आता है, ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, ब्लू को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, देख रहे हो, ये कम करना है कम कर सकते हो, तो आप ब्लू को इंक्रीज करके हल्की सी टोन मैच करो, ठीक है कुछ ऐसे, समझिए ठीक है। अब इसके अंदर भी बैकग्राउंड लगाना है, इसके पीछे एक और हमने बैकग्राउंड लगाना है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, जैसे ये चाहिए हमें, ठीक है हमने ड्रैग किया इसको फोटोशॉप के अंदर ड्रॉप कर, ठीक है कुछ ऐसे। ठीक है फिर हमने क्या किया, हमने सिलेक्शन कर ली हमारे करेक्टर की, देख रहे हो सिलेक्शन कर ली है मैंने, मैंने इसके ऊपर मास्किंग लगा दी, इसके ऊपर सिलेक्शन करेक्टर की करके मास्क इसके ऊपर लगा दिया कुछ ऐसे, देख रहे हो, ठीक है करेक्टर को ऊपर रखो, इसको नीचे रख दो चाहे, समझ गए। अब करेक्टर के ऊपर भी मास्किंग लगा सकते हैं और इसको हाइड कर सकते हैं ब्रश के साथ, ब्रश की हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दो, ठीक है साइज जितना चाहिए उतना सेलेक्ट करके आप इसको कुछ ऐसे यूज कर सकते हो, ब्लैक इतने पार्ट पे मैंने ये चला दिया ब्रश, ठीक है। पर मुझे यहाँ पीछे से सही चाहिए इसको, इसके अंदर मैं वाइट कलर करूँगा कि दिखने लगे यहाँ से, ये बैकग्राउंड ऐसे दिखने लगे, ठीक है कुछ ऐसे, समझ गए कौन। ठीक है ऐसे डबल एक्सपोजर बना सकते, समझिए वन, ठीक है। देखो इसके अंदर भी हमने हल्का हल्का ना ये जो है ऑरेंज सी लुक देनी है, ये पिंक सी, हमने कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट कर लिया इस लेयर को, ठीक है मैंने ना इसके अंदर दिखाना है, इसके चश्मे के अंदर हमने, तो मैंने क्या किया, मैंने इतने पार्ट की ना सिलेक्शन बना ली मार्की टूल से, मार्की टूल लिप्स मार्की टूल सेलेक्ट करो और यहाँ पे सिलेक्शन बना लो, ठीक है। सिलेक्शन को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे, राइट क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, तो कंट्रोल दबा के रखना है तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो सिलेक्शन को जिस हिसाब से हमें चाहिए, जैसे मुझे कुछ यहाँ तक चाहिए, ठीक है यहाँ से इधर को चाहिए, तो कंट्रोल के साथ मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो देख रहे हो वो एक एक पॉइंट ही मूव हो रहा है ना, कहीं और से नहीं हो रही इसके, ठीक है कुछ ऐसे। तो इसके ऊपर मास्किंग लगी हुई है, मैं इसको मूव करूँगा, देख रहे हो ऐसे करके, ठीक है, और सिलेक्शन वही रखनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं नई लेयर, उसके अंदर कोई भी एक कलर फिल कर देता हूँ मैं, कोई भी ब्लैक कलर कर दो चाहे अभी के लिए, ठीक है ये ब्लैक कलर होगा उसके अंदर, डी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसको उठा के सबसे ऊपर रखा, ये जो मैंने कॉपी किया था इसको मूव करता हूँ हल्का सा इधर, ठीक है मुझे दिखाना है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या कर देंगे, क्लिप कर देंगे पावर क्लिप पर, ऑल्ट होल्ड करके उनके इन बिटवीन दोनों के अंदर क्लिक कर दो, क्लिप हो जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो ना, राइट क्लिक करके रिलीज क्लिप मास्क, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप मास्क, समझिए मान, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दिख रहा है, पर मुझे ये थोड़ा सा फैदर करना है ना, देख रहे हो ये साइड पे ज़्यादा ही आ रहा है कुछ, तो हल्का हल्का मैं क्या करूँगा, इसको पहले प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ ऐसे करके, ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ओपेसिटी वगैरह कम करनी है, ओपेसिटी कम कर दी मैंने, ठीक है समझिए बात। अब इसके अंदर भी मास्किंग लग सकती है, मास्किंग लगाओ, फैदर करना है साइड से, ब्रश यूज़ करो, ब्लैक ब्रश यूज़ करके ऐसे हल्का हल्का इसे हाइड कर सकते, समझिए बात, ठीक है। ब्रश थोड़ा छोटा यूज़ करते हैं, ब्रश को थोड़ा छोटा यूज़ करके थोड़ी सी हार्डनेस और कम करते हैं, ये साइड साइड पे चलाओ कि यहाँ से दिखे ना ना ये शार्प, समझिए बात, ठीक है कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो इतनी पिंक टोन आ रही है, तो इसमें भी हल्की हल्की टोन आनी चाहिए पिंक, तो हमने करेक्टर के ऊपर क्या किया, इमेजेस के अंदर जाके एडजस्टमेंट, यहाँ पे कलर बैलेंस लगा दी, थोड़ी पिंक टोन इंक्रीज कर दी मैंने, देख रहे हो उस पर आ रही है टोन, थोड़ी रेडिश टोन भी,
कुछ ऐसा है, समझ गई मैंने। क्रॉप टूल यूज करो, क्रॉप टूल से इसको हल्का सा ना क्रॉप कर देता हूँ, यहाँ तक मुझे चाहिए, अप्लाई कर दो। ठीक है, कुछ ऐसे करना। अब हमने यह करना है, कलर ग्रेडिंग और करनी है, तो सबसे टॉप के ऊपर हम आए। अब मैंने पूरी इमेज के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है ना, या उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ तो इन सबको सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, ठीक है, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट करके ये देखो डुप्लीकेट होगी सारी लेयर्स, सबको मर्ज करना है, राइट क्लिक करो, मर्ज लेयर कर दो। देख रहे हो एक ही फोटो बन गई है ये सारी, ठीक है, ऐसे हो गया। जा तो आप क्या कर सकते हो, इसको हाइड करो, आप एक यहाँ पे सेलेक्ट करो लास्ट लेयर को, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करो, तो ये एक देख रहे हो नई लेयर बना देगा मर्ज करके सबको, सबको मर्ज कर दिया ना उसने, दो तरीके हो गए मर्ज करने के, तो ऐसे मर्ज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो फाइनल, ठीक है, ऐसे करेंगे, समझ गए मान। अब इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग करनी है, बाकी सबको हाइड करना है। मैंने ऑल्ट होल्ड करके सिर्फ इसकी आई पे क्लिक करो, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी, ठीक है, सिर्फ यही दिखेगी। फिर हमने क्या करना है, फिल्टर में जाना है, यहाँ पे आता है कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर को अच्छे से समझ लो, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, जैसे हम बाहर करते हैं ना टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ रही है टोन, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है हमें, ठीक है, ये टोन्स आ रही हैं यहाँ पे, टिंट्स आ रही हैं, उसका चेंजेस करने हैं उसके कलर के अंदर, टिंट्स चेंज करने हैं कलर के, ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोजर जो बाहर से हम लगाते हैं एडजस्टमेंट्स में जाके, एक्सपोजर आ गया, लाइट को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। हमें कंट्रास्ट को कम ज़्यादा करना है, कंट्रास्ट देख रहे हो, कंट्रास्ट बाहर भी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी कंट्रास्ट दे रखा है, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं इसका। हाइलाइट्स, जहाँ पे हाइलाइट्स पड़ रही है, देख रहे हो यहाँ पे लाइट है, हाइलाइट्स हैं जहाँ जहाँ पे, वो कम ज़्यादा होंगी, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। शेडोज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो आप, डार्क टोन्स को, जहाँ पे डार्क्स आ रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, कम करना है कम कर दो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर दो। वाइटनेस, जहाँ पे देख रहे हो ये वाइट कलर आ रहा है, ये वाइट कलर आ रहा है, बीच बीच में स्टार्स आ रहे हैं, उनको भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देख रहे हो, ठीक है। ब्लैक्स को, जहाँ पे डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, उसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, समझिएगा मान। टेक्सचर, अब देखो फेस पे कितना टेक्सचर आ रहा है, ये थोड़ा सा ख़त्म करना है मुझे ये टेक्सचर, टेक्सचर को कम करूँगा तो ये टेक्सचर कम हो जाएगा, देख रहे हो सॉफ्टनेस आ गई उसके फेस के अंदर, ठीक है, ऑल ओवर कम करेगा वैसे तो, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, है ना, ठीक है, टेक्सचर कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने हल्का सा कम कर दिया। क्लैरिटी, इसके अंदर थोड़ा ग्लो आने लगेगा, देख रहे हो ग्लो आ रहा है इमेज के अंदर, पूरी इमेज हो रही है हल्की सी ब्लर हो रही है, तो ये आप बढ़ा भी सकते हो, अगर डिटेल बढ़ानी है आपने बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्लैरिटी समझ गए मान। दहेज भी कर सकते हो आप, साइड साइड से देखो ये डल होता जाएगा कलर, ठीक है, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो, समझ गए मान, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेंस कलर को थोड़ा कम करना है, कम कर सकते हो आप कलर को, देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर नहीं गायब हुआ ना, बाकी सारे हो गए, बढ़ाना है कलर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसी सेचुरेशन करती है, पर सेचुरेशन रेड कलर को भी ब्लैक कर देती है, सारे पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गए, ठीक है, इसे यूज़ कर सकते हो आप जैसे आपको चाहिए, बढ़ाना है कलर बढ़ा भी सकते हो, इससे कम करना है कम भी कर सकते हो, समझ गए मान, ठीक है, ओके करते हैं। ये बेसिक्स अभी बता दिया मैंने, बाकी हम आगे बताएंगे, कर्व्स वगैरह ना, यहाँ पे भी कर्व्स आ जाती हैं जैसे ये दे रखी है, ठीक है, समझ गए बाद में, तो हमने कर दिया ओके, और ये इस पर अप्लाई कर देगा, देख रहे हो कुछ ऐसा आउटपुट आ गया, ठीक है। पहले कैसी थी इमेज, कुछ ऐसी थी, अब देखो काफ़ी डिटेल्स आ गई उसके अंदर, ठीक है, ऐसे कलर करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी लिखना है आप साइड पे यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है, आपको जैसा फॉन्ट चाहिए, अब देखो टाइप आपने हॉरिजॉन्टली करना है, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे वर्टिकली भी टाइप कर सकते हो, वर्टिकली टाइप करना है वर्टिकली टाइप कर रहे हैं। साइज इंक्रीज करना है 200 तक, साइज इंक्रीज कर दिया मैं, ठीक है। कलर चेंज करना है उसका, कलर चेंज कर दो, ठीक है, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते, समझिए मान, आपको फॉन्ट यूज़ करना है फॉन्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से,
ठीक है, समझ गए बात में। कुछ है ठीक है, आपको इसमें भी कुछ डिज़ाइन करना है, इसमें भी कर सकते हो। और आपको थोड़ी और चीज़ें चेंजेस करनी है, और चीज़ें भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कोई और इमेज लगानी है लाके, जैसे ये इमेज होगी या ये इमेज होगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। जैसे ऊपर की साइड मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ है ना, यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव स्पेस आ रही है, तो इसको सेलेक्ट करके अप्लाई करो, ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा और कर लेता हूँ इसको यहाँ तक, और इसको ब्लेंड कर दो यहाँ से। जैसे ये सही लग रहा है स्क्रीन, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ से नहीं चाहिए मुझे, इसके ऊपर मैंने मास्क लगाया, यहाँ से ब्रश लिया, ब्रश की हार्डनेस 0 कर दो और यहाँ पे हल्का हल्का चला दो ऐसे। ठीक है, समझ गए बात में। ठीक गए बात में, इतना ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है।